दे दिन हो 50,000 हमने जगाई वो भगवान तुम अपनी सरकार सार के आधी कहे ललकाया चाल के दिनों के दास हजार बहना दियो अरे राम के दिनों के दास हजार। दल तो सोचतों पिछो की मसीहा और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही हमारे नेता के आज 64वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर आज के इस नगर पालिका प्रांगण में हो रहे जन्मोत्सव कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन बहन जी के सामने 64वें जन्म दिवस के अवसर पर हम अपनी तरफ से और मंच पे तमाम साथी बैठे हैं और सामने आवाम की तरफ से लाख लाख बधाई देते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। आज मुल्क के हालात जो देश के हालात हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है गर्व तो हम हिंदू। देश यह है कि देश में अमन शांति बहुत ज्यादा कायम हो जो इस तरीके से उथल पुथल पूरे हिंदुस्तान में मचा एनआरसी के नाम पर और देश को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा जा रहा है उसको ये संदेश दिया गया है कि आने वाले 2022 में बहन जी की सरकार में और कानून व्यवस्था को काम किया जा सके और हिंदू मुसलमान की इच्छाएं हैं इसको पाटा जा सके। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश है कि इस तरीके से मुल्क हमारा टूट रहा है, आज ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरीके देश को बांटा जा रहा है, बल्कि देश को ही इस तरीके बांटे कि ये सब ये अमीर हैं या गरीब हैं, ये उससे गरीब हैं, ये सबसे गरीब है, इस श्रेणी में बांटकर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। आज देश में हमारे 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अनाज खाने के लिए अनाज नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात करके इस गुमराह करके देश को दो टुकड़े में। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार एनआरसी को ला करके मुसलमानों को डरवा रही है, खौफजदा कर रही है? मुसलमान तो कभी डरने वाला नहीं है, लेकिन मुसलमान के साथ में ये उनका मकसद 2024 में ये एक बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 44 करोड़ के आसपास जिनके पास ना राशन कार्ड है ना उनके पास कोई डिग्री है उनको एनआरसी के तहत बाहर करके 2024 में सत्ता पाने की साजिश हो रही है और बाकी कोई मकसद नहीं।